खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां एक किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। मामला नगर पंचायत अजुआ के वार्ड नंबर 8 NH2 हाईवे का है, जहां विवेक कुमार के किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। वहीं घर पर मौजूद लोगों ने पड़ोसी के छत से उतरकर अपनी जान बचाई। विवेक कुमार ने बताया कि दुकान से लेकर घर तक का सारा सामान जलकर खत्म हो गया है। इसके साथ ही कुछ जरूरी दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए हैं। कौशाम्बी से अनीस अहमद की रिपोर्ट। लगभग रात में मैं अपने रूम पर सो रहा था। लगभग 2:22 पर मेरे रूम पर जब धुआं का बहुत भयंकर से धुआं मेरे रूम में आया, मैं उठा, जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पूरे घर में धुआं धुआं था। और जब तक मैं नीचे आता, लगभग कितने बजे की घटना है? लगभग ये 2:22 की घटना तो पता चला। और उसके बाद मैं तुरंत अपने घर में, मम्मी पापा मेरे नीचे वाले रूम में सो रहे थे, पापा मम्मी मंदिर वाले रूम में सो रही थी, और जब तक मैं नीचे आता तब तक पूरे घर में बहुत विकराल रूप से आग लग चुकी थी।